नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार को इस साल मिलेंगे 2 स्टेट हाईवे और 2 नेशनल हाईवे। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को अगले महीने मिलेगा बड़ा काम। संभावित चौथी लहर से बचने के लिए बिहार सरकार ने बनाया 3-स्टेप एक्शन प्लान। बिहार के 13 जिलों में जल्द ही खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। बिहार में बेघरों को जमीन देगी बिहार सरकार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को इस साल मिलेंगे 2 स्टेट हाईवे और 2 नेशनल हाईवे। बिहार के नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में यकीनन सड़कों को सुदृढ़ करने का काम बेहतरीन ढंग से किया है। यही कारण भी है कि बिहार में अगर आप आएंगे तो आपको सड़कों का जाल देखने को जरूर मिलेगा, जिससे बिहार वासियों के आगमन की सुविधा भी देखने लायक है और बिहार में उद्योग के नए रास्ते भी खुलने लगे हैं। हालांकि आने वाले सालों में बिहार में और भी ज्यादा सड़कें देखने को मिलने वाली है, जिसके निर्माण का काम बिहार में जोर शोर से हो रहा है। वहीं सबके बीच जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार राज्य में इस साल बिहार को कुल मिलाकर 2 स्टेट हाईवे और 1 नेशनल हाईवे बनकर तैयार होने वाला है। रुन्नी सैदपुर से भिसवा स्टेट हाईवे 87, कादिरगंज से खैरा स्टेट हाईवे 82 सहित गया से बिहार शरीफ NH 82 पर दिसंबर 2022 से आवागमन शुरू होने की संभावना है। इससे सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, जमुई, गया और नालंदा जिले के लोगों को यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। तीनों सड़कों का करीब 234 किलोमीटर लंबाई में करीब 3212 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वो शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम संगीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी था। विद्यापति के समय की भाषा प्रकृति देर से व्युत्पन्न अवहट पूर्वी भाषाओं जैसे मैथिली और भोजपुरी के शुरुआती संस्करणों में परिवर्तित होना शुरू हो गया था। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली में दांते और इंग्लैंड में चौसर के समान माना जाता है। विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिला के बिस्फी गाँव में एक शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को अगले महीने मिलेगा बड़ा काम। बिहार के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके तहत ही बिहार की पंचायतों में सोलर लाइट लगाने की पहल शुरू होने वाली है, जिसका काम 15 मई से शुरू हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को ये योजना काफी लुभाती रही है। वजह ये है कि इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे अवैध कमाई का जरिया भी बना रखा है। सोलर लाइट खरीदने में भ्रष्टाचार और इसको लेकर लगाने के लिए स्थल चयन में मनमानी की शिकायतें आम हो गई थी। इसको देखते हुए ही सरकार ने योजना में व्यापक बदलाव किया है। नया सचिवालय स्थित पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री सम्राट चौधरी ने योजना को समय पर चालू करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने समीक्षा के दौरान अब तक की प्रगति की जानकारी भी ली है। शराब की होम डिलीवरी रोकने को तीसरी आंख से होगी नजर। शराब की होम डिलीवरी रोकने पर तीसरी आंख से होगी नजर। बिहार के नीतीश सरकार ने अब तय कर लिया है कि किसी भी हाल में बिहार में शराबबंदी कानून पर अमल करवाना ही है। पहले ड्रोन से शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर नकेल कसने के बाद अब सरकार तीसरी आंख से निगरानी करने वाली है। शराब की होम डिलीवरी नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए ही उत्पाद विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। संदिग्ध स्थानों पर शराब की होम डिलीवरी पर तीसरी आंख की नजर रखी जाएगी। इसके लिए उत्पाद विभाग ने सर्विलांस कैमरा लगाने की योजना बना ली है। सर्विलांस कैमरा जिलों के पुलिस अधीक्षकों की तरफ से चिन्हित किए गए स्थानों पर लगाया जाएगा। बिहार में बना रहे हैं आवासीय भवन तो जान लें सरकार के ये नियम। अगर आप भी बिहार में आवासीय भवन बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सरकार के इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। बिहार की सभी औद्योगिक, सार्वजनिक और ग्रुप हाउसिंग के तहत निर्मित भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। वैसे आवासीय भवन जो 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के होंगे, उनके नक्शे में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान करना होगा। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित शहरी निकाय जुर्माना वसूलेंगे। बिहार में बिजली संकट की खबरों के बीच ऊर्जा मंत्री ने दिया बड़ा बयान। बिहार में बीते दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि देश के अन्य राज्यों की ही तरह बिहार में भी कोयले का संकट हो गया है, जिसके बाद से ये भी कहा जाने लगा कि बिहार में बिजली की समस्या अब उत्पन्न होने वाली है। इसी बीच बिजली की निर्बाध आपूर्ति को लेकर खुद ऊर्जा मंत्री ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत ही बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को 24 घंटे बिजली देने की तैयारी हो रही है। हाल ही में हुए कैबिनेट की बैठक में 13,000 करोड़ से अधिक की राशि का अप्रूवल हुआ है और उससे नए आधुनिक मशीन लगाए जाएंगे। साथ ही बिजली उपकरणों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा।
जिससे लोगों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी। दरअसल मंत्री बिजेंद्र यादव जदयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द दूर करने की बात कही है। भूमि सुधार विभाग पर लगा कर्मचारी और अमीनों की सेवानिवृत्ति में मदद न करने का आरोप। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों की समस्याओं का समय पर निदान न कर पाने जैसे आरोपों से तो घिरी ही रहती थी, अब विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय अपनों के साथ ही इंसाफ नहीं करते हैं। विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले राजस्व कर्मचारी और अमीनों को सेवांत लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। क्षेत्रीय कार्यालयों से समय पर उनका विवरण मुख्यालय में पहुंच ही नहीं पाता है। नतीजा ये है कि कई मामलों में अवकाश ग्रहण करने के 5 साल बाद तक पेंशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके बीच अब वित्त विभाग की नाराजगी के बाद जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया है कि इस तरह के मामलों का विवरण महीने की 10 तारीख तक मुख्यालय को उपलब्ध करा दें। सीएम नीतीश ने आईएएस अफसरों को पढ़ाया जिम्मेदारी का पाठ। बीते दिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन कार्यक्रम में आईएएस अफसरों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अमलीजामा पहुंचाने में आईएएस अफसरों की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि डीएम से हमने कहा था कि आप लोग गांव-गांव जाकर देखिए कि काम हो रहा है कि नहीं, इसका असर हो रहा है। लोक शिकायत कानून के तहत आदेश पारित हो रहे हैं, लेकिन उस आदेश को लागू नहीं कराया जा रहा, ये काफी चिंता की बात है। अगर समस्या का समाधान हो जाएगा तो कम से कम लोग हमारे पास आएंगे। संभावित चौथी लहर से बचाने के लिए बिहार सरकार ने बनाया 3-स्टेप एक्शन प्लान। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, जिसके बाद ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह चौथी लहर की आहट है। हालांकि अभी बिहार में स्थिति नियंत्रित है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने इसको लेकर अभी से ही एक्शन प्लान बना लिया है। 3-स्टेप में वायरस का पता लगाने की योजना बनाई गई है। इसमें पहले रैंडम, फिर इंसेंटिव और उसके बाद वृहद जांच की जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की हाई लेवल बैठक में कोरोना से लड़ाई की पूरी योजना तैयार की गई है। कोरोना से पहले स्टेप में रैंडम जांच को रखा गया है। इसके तहत बाहर से आने वालों की रैंडम जांच कराई जाएगी। रैंडम जांच में संख्या का कोई दायरा नहीं होगा। रोहतास के गुप्तेश्वर धाम गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से ही होता आ रहा है। इस गुप्ता धाम के संबंध में किद्वंती है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म कर देने की शक्ति का वरदान दिया था, भस्मासुर शिव से मिले वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा था। वहां से भागकर भोले यहीं के गुफा में गुप्त स्थान में छुपे थे। भगवान शिव की इस विवशता को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया था। हालांकि गुप्ता धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक यही नहीं तय कर पाए हैं कि ये गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। गुफा में गहन अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। पहाड़ी पर स्थित इस पवित्र गुफा का द्वार 18 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा मेहरा बनुमा है। गुफा में लगभग 363 फीट अंदर जाने पर बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसमें साल भर पानी रहता है। बिहार के 13 जिलों में जल्द ही खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई और मरीजों के इलाज के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इसी के तहत राज्य सरकार अब जल्द ही अगले 5 सालों में बिहार में 13 जिलों में 13 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को खोलने जा रही है। इसके बाद ही साल 2027 तक प्रदेश में 26 जिलों में 33 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होने वाले हैं। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार के 13 जिलों में 20 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मौजूद है, जहां पर ही MBBS की पढ़ाई हो रही है। इनमें 12 सरकारी और 8 निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। इनमें ही मुंगेर और पूर्वी चंपारण जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए हाल ही में कैबिनेट ने भी 1207 करोड़ रुपए को मंजूरी दी थी। संघ लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। संघ लोक सेवा आयोग ने सहायक कमांडेंट विभाग के BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के कुल मिलाकर 253 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बिहार की 7 जोड़ी ट्रेनें अब नहीं होंगी लेट। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने एक नई व्यवस्था की है, जिससे ट्रेनों के लेट होने के कारण अब यात्रियों के इंतजार करने से मुक्ति मिल जाएगी। दानापुर रेल मंडल में पटना और राजेंद्र नगर से खुलने वाली 7 ट्रेनों का 25 अगस्त के बाद से रिजर्वेशन कोच एक समान हो जाएगा। कोच एक समान होने से किसी ट्रेन के विलंब से पहुंचने पर उसके स्थान पर समान कोच वाली दूसरी ट्रेन के कोच का उपयोग कर उसे समय पर खोला जा सकेगा।
यात्रियों के समय को ध्यान में रखते हुए ही रेलवे ने यह निर्णय लिया है, जिसमें ही गाड़ी संख्या 13201, 13202, 13237, 13238, 13239, 13240, 13246, 13245, 13248 और 13247, 123052 और 12351 और गाड़ी संख्या 13242 और 13241 भी इसमें शामिल है। लोक शिकायत पदाधिकारी अब रखेंगे अपने काम से काम। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद लोक शिकायत निवारण कानून से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए नाराजगी जताई थी, क्योंकि काम सही से नहीं हो पाने के कारण ही शिकायतों का अंबार लग रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से साझा की गई नाराजगी के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी जिलाधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को लेटर लिखकर कहा कि यह सुनिश्चित कराएं कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को कोई अन्य काम का प्रभार नहीं दिया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को कोई अन्य काम नहीं सौंपे। ऐसे में अगर किसी पदाधिकारी को दूसरा काम दिया गया है तो तत्काल उसे इससे मुक्त किया जाए। पुलिस अवर निरीक्षक एवं परिचारी पद की लिखित परीक्षा होगी इस दिन। पुलिस अवर निरीक्षक और प्राक्षर अवर निरीक्षक पद की रिक्तियों के विरुद्ध संयुक्त मुख्य लिखित परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना की तरफ से आयोजित ये परीक्षा 24 अप्रैल को पटना स्थित 42 परीक्षा केंद्रों पर दो पाली में होगी। विधि व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन के लिए स्टैटिक, जोनल, उड़ान दस्ता और सुरक्षित दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। संयुक्त जिलादेश में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आदेश का पालन कराए। उक्त परीक्षा के लिए जिला पदाधिकारी पटना को परीक्षा संयोजक नामित किया गया है। लालू यादव जेल से आएंगे बाहर या अभी रहेंगे जेल में, आज होगा फैसला। चारा घोटाला मामले में सलाखों के पीछे बंद लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज ही लालू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू ने इस मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है। वहीं लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में 41 महीने जेल में बिता दिए हैं, जबकि सजा की आधी अवधि 30 महीने ही होगी। इसको लेकर ही आज निर्णय आने वाला है। हेलीकॉप्टर के रूप में मॉडिफाइड कार पहुंची बिहार। हेलीकॉप्टर की शक्ल की एक कार बीते दिन भागलपुर के तिलकामांझी पहुंची। दरअसल खगड़िया जिले में महेश खूंट निवासी दिवाकर ने सिवान से अपने मैंगन आर कार को 3.5 लाख में मॉडिफाइड करवाया है और बीते दिन भागलपुर में कार के एसी को दुरुस्त करवा दिया है। बीते दिन भागलपुर में नए तरह के मॉडिफाइड और हेलीकॉप्टर शक्ल की कार को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। गाड़ी के मालिक दिवाकर ने बताया कि यूट्यूब पर देखा तो मन में उत्साह हुआ, इसलिए हमने भी इस तरह करवाने का सोचा और सिवान में मॉडिफाई करवाया। इसके बाद ही अब शादी में दूल्हा दुल्हन के लिए कार बुकिंग सकेंगे। गौरतलब है कि इस तरह की कार सिवान में देखने को मिली थी, जिसे शादी के लिए दूल्हे काफी पसंद कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से 18 विमानों में रिकॉर्ड लोगों ने किया आवागमन। बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट अब तक अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज कर चुका है, जिसके कारण ही अब एयरपोर्ट की खूब वाहवाही भी हुई है। इसी बीच अब इस एयरपोर्ट ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से 18 विमानों में रिकॉर्ड लोगों ने आवागमन किया है। बीते दिनों ही इस साल में अब तक सर्वाधिक 18 फ्लाइट में 2803 यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट से आवागमन किया। इससे पहले पिछले साल 3 बार पैसेंजरों का आंकड़ा 2800 के पार गया था। चौथी बार दरभंगा एयरपोर्ट से 2800 से अधिक यात्रियों के आवागमन का नया रिकॉर्ड बना है। हालांकि अभी भी इस एयरपोर्ट पर कई सुविधाओं का अभाव रहता ही है। भले ही अब तक इस एयरपोर्ट के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन अभी भी फ्लाइट पकड़ने पहुंचने वाले यात्रियों को बैठने की जगह तक नहीं मिल पाती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियां होती है। बिहार बोर्ड ने इंटर में बढ़ा दी सीटें। नए सत्र में अब बिहार बोर्ड में एडमिशन लेने वालों की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि नए सत्र के लिए बिहार बोर्ड ने हाल ही में सीटों की घोषणा की है, जिसके तहत इस बार पिछले सत्र से 48,000 अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछले सत्र में जहां राज्य के इंटर कॉलेज में 17,02,000 सीटें थी, वहीं इस बार उसे बढ़ाकर 17,50,000 कर दिया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बहुत जल्द एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार ही इस बार उत्क्रमित स्कूलों में भी 11वीं में एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों को OFFS पोर्टल से कनेक्ट किया गया है।
बिहार में बेघरों को जमीन देगी बिहार सरकार। बिहार में ऐसे भूमिहीन और बेघर लोग जो आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द ही बिहार सरकार जमीन देने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे लोगों को जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनको चिन्हित कर बिहार सरकार 3 दशमलव जमीन की व्यवस्था करने जा रही है। अब ऐसे लोगों को चिन्हित भी कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इस योजना का फायदा बिहार सरकार अनुसूचित जाति पिछड़े एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे लोगों को भी देगी जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे लोगों को ही सरकारी स्तर पर जमीन मुहैया करवाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सर्वे कराया था और एक सूची भी बनाई थी जिनका नाम वित्तीय वर्ष 2021-22 में शामिल हुआ था, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। अगले सप्ताह से सड़कों पर होगा 50 प्राइवेट CNG बसों का परिचालन। अभी तक जहां आपको पटना की सड़कों पर पीली बसें देखने को ही मिलती थी, तो अब उन्हीं की जगह पर आपको 50 प्राइवेट सिटी बसों का परिचालन भी देखने को मिलने वाला है। अगले सप्ताह के अंत तक उम्मीद जताई जा रही है कि बसों का परिचालन शुरू होने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये बस पीली सिटी राइड बसों के किराए दर पर ही चलेगी। DTO श्री प्रकाश ने बताया है कि CNG डीजल की तुलना में काफी सस्ता है, लिहाजा CNG रूपांतरण के बाद बसों के किराए में वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि पीली प्राइवेट सिटी राइड बसों की तुलना में ये बसें काफी सुविधाजनक होंगी। NDA को लगा है बोचहा का करंट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला था। उग्र इलाकों में कई दुकानें, मस्जिद का गेट और घरों के अवैध हिस्से तोड़े जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काफी देर बाद बुलडोजर रुका। इस मुद्दे पर ही दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत गर्म है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलडोजर से कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब भी भाजपा किसी उपचुनाव में हारती है तो ऐसे ही सांप्रदायिक काम करती है। ये लोग जाति धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं। आज बात अवैध निर्माण की हो रही है, पर इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होता कि चीन ने भारत में 2 गांव कैसे बसा लिया। वहीं चुनाव में हुए NDA की हार और नीतीश कुमार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बोचहा का करंट ऐसा NDA को लगा है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज से त्यागपत्र दिया। एडमिरल RD कटारी 1958 में भारतीय नौसेना में पहले प्रमुख बने। भारत के अंतिम मुगल सम्राट अकबर द्वितीय का 1760 में जन्म हुआ। भारतीय लेखक चेतन भगत का 1974 में जन्म आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खान का 2001 में निधन हुआ था। आज ही के दिन को विश्व पृथ्वी दिवस और जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग एप्स का इस्तेमाल अब दूसरों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए नहीं कर सकेंगे आप। अगर आप कॉल रिकॉर्ड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद लेते हैं तो शायद कुछ दिन बाद आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल की नई पॉलिसी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स पर शिकंजा कसने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मई से ऐप डेवलपर थर्ड पार्टी ऐप के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं दे पाएंगे। कंपनी ने हाल ही में अपने प्ले स्टोर पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं और इसमें से एक का उद्देश्य एंड्रॉइड पर कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को बंद करना है। नई पॉलिसी के अनुसार ऐप्स को अब प्ले स्टोर पर कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एक्सेसिबिलिटी API का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। शेल्टर होम कांड पर बिहार के नीतीश सरकार ने दिया जवाब। बिहार के बहुचर्चित गायघाट शेल्टर होम मामले को लेकर बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट को यह बताया है कि 4 हफ्ते में मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। इसको लेकर बीते दिन ही राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इस दौरान ही सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस मामले की जांच 4 हफ्ते में पूरी कर ली जाएगी और केस स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह निर्देश राज्य सरकार को दिया था कि इस मामले की जांच रिपोर्ट 4 सप्ताह में पूरी की जाए और उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, कल्याणी चौधरी, बबिता यादव, मृत्युंजय कुमार, सलीम भाई, पंकज कुमार, नुन्नू कुमार, दीपक यादव, पूजा कुमारी, शबनम कुमारी, धीरज प्रजापति, संतोष सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की कौन सी योजना सबसे अच्छी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।